अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुक 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 चैनल, जिसमें आज हमने बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी जो है वेजिटेरियंस के लिए स्पेशल, ये पोटैटो सीख कबाब हैं, ये हमने बनाई है और ये बहुत मज़े के जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार करना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है सबसे पहले, और उसमें हमने बॉइल्ड पोटैटोज़ जो हैं और मैश करके प्रॉपरली वो हमने 2 अदद जो हैं वो हमने उसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद फिर हमने इसमें चीज़ क्रीम ऐड की है जो कि 1 टेबल स्पून है, और ये हमारी रेसिपी जो है इसमें आराम से 9 से 10 सीख कबाब जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हमने ऐड किया है चाट मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर भी हमने 1 टीस्पून ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून, यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो हमने इसमें 1/2 कप जो है वो ऐड कर दिए हैं। ये इसके टेस्ट को बहुत ही इन्हेंस भी कर देते हैं और इसको जुड़ने में आसानी भी होती है। और हमने यहाँ पे बॉइल्ड चिकन जो होता है वो हमने 1 कप ऐड किया है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस स्टेप को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। कि टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमने इसमें ऐड किया है बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून, और कुछ हमने पुदीने के पत्ते यानी मिंट लीव्स जो हैं उनको बारीक चॉप करके वो ऐड कर दिया है, और एक ऑमलेट कटिंग वाला जो प्याज है वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ हमने यहाँ पर 2 ऐड की हैं। अब हमारे स्पाइसेस जो हैं वो सब इसमें डल चुके हैं, सो अब हम इसको प्रॉपरली जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि ये यकजान हो जाएं और स्पाइसेस इवनली हर तरफ प्रॉपरली चले जाएं। और इसके बाद हमने एक बैम्बू स्टिक ले ली है जो कि सीख कबाब बनाने के लिए होती है, और इस मटेरियल को उसके ऊपर लगा के हम सीख कबाब की शक्ल में इसको प्रॉपरली तैयार कर लेंगे। और इस तरह जो है जो हमारा मटेरियल है उसमें हमने सारे जो सीख कबाब थे वो एक एक करके हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और इसके बाद एक प्रॉपरली फेंटा हुआ अंडा ले लीजिए, और इसमें जो सीख कबाब हमने तैयार किए हैं वो प्रॉपरली डिप कर लेंगे, और इस तरह ये फ्राइंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक अलहदा से पैन में हमने ऑयल ले लिया है, जब वो प्रॉपरली गर्म हो जाए तो हम इसमें जो हमारे सीख कबाब थे वो ऐड कर दीजिए, और इनको हम प्रॉपरली फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और साथ साथ जो है आप इसकी साइड पलटते रहिए ताकि इसमें जो है ये इवनली जो है इनका कलर जो है वो सब तरफ सेम हो। इस तरह ये बहुत आसानी से और बहुत मज़े के तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Go, 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 go